सो so, दोस्तों हमारी बॉडी बनी होती है टू हंड्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जिनकी पॉपुलेशन है थर्टी टू फोर्टी ट्रिलियन इनमें से कूद सेल जैसे कि सेल्स जो स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल को कवर करते हैं उनकी लाइफ स्पैन है सिर्फ फाइव डेज जबकि आर जो कि हर दिन उन्नीस हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करते हैं उनकी लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी डेज पर शॉकिंग फैक्ट तो ये है हार्ट जो सात हजार लीटर ब्लड पम्प करता है हर दिन उसकी लाइफ स्पैन है फोर्टी ईयर्स सो डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन बट ओवरऑल बात करें तो क्वेश्चन रिमेन सेम हम बूढ़े क्यों होते हैं ह्यूमन सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ ये डैमेज डीएनए में एरर की वजह से भी फॉर्म हो सकते हैं या फिर टीलोमर शॉर्टिंग की वजह से भी या फिर सेल के बीच में कॉम्युनिकेशन बैरियर की वजह से भी या फिर गर्ल्स लाइफ की वजह से भी सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेज जो सेल कंपोनेट में होते हैं जिस वजह से एजनिंग होती है क्योंकि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ घर चाहे वो किसी चीज़ से बनाओ एग्जाम्पल तौर से ईट से बनाओ अगर वो ईट स्पॉल या खराब हो जाए तो घर ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिस वजह से एजनिंग होती है हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली तो फर्स्ट रीजन है जब सेल डिवाइड होता है तो उसके साथ साथ भी डीएनए रेप्लिकेट होता है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस हमेशा इतनी एक्यूरेट और उतनी प्रिसाइस नहीं हो पाती जिस वजह से कुछ डीएनए का सेगमेंट डिलीट या फिर इंसर्ट हो जाता है पर सेल के पास एक मैकेनिज्म होता है जिस वजह से ये एरर डीएनए को रिपेयर कर देता है पर कभी कभार ये मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है इस एरर डीएनए को पहचानने में जिस वजह से ये एर एड डी एन एक्लमेट होता रहता है हमारी एज के साथ साथ अगर ये एर डी एन सेल को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा तो सेल ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर मे बी सेल कैंसर सेल में भी चेंज हो सकता है तो अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल टाइम के साथ प्रॉपर तरीके से फंक्शन और डिवाइड नहीं करेगा तो पार्टिकल टिश्यू और ऑर्गन डायरेक्टली इफेक्ट होंगे और वो भी टाइम के साथ साथ ही अपने फंक्शन लॉस कर देंगे जिस वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं और इवेंचुअली डेथ हो जाती है सेकेंड रीज़न है शॉर्टनिंग ऑफ टिल्यूम पर सबसे पहले व्हाट इज टिलुमरेस असल में टिलोमरेज एक्स्ट्रा सेगमेंटेड डीएनए का जो एक कैप की तरह काम करता है ये कैप यानी टीलोमरेस क्रोमोसोम के दोनों इंड पे लगे होते हैं तो बेसिकली टिलस के दो फंक्शन है पहला तो ये है क्रोमोसोम को एक दूसरे से फ्यूज होने से प्रिवेंट करना और दूसरा फंक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी डी रेप्लिकेट होता है डी को डैमेज होने से बचाना जिस वजह से ये टिलोमरेज खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और धीरे धीरे शॉर्ट होने लग जाता है हर एप्लीकेशन के दौरान तो जब ये टेलोमेरिज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है पर कैंसर सेल में ये टेलोमरीज हाइपर एक्टिव होता है जिस वजह से कैंसर सेल इनफिनाइट टाइम रेप्लिकेशन करने के बावजूद भी डेड नहीं होता थर्ड ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स हर जगह होती हैं हर सेल में और इनके थाउजन ऑफ डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो कि वो हर सेकेंड परफॉर्म करती हैं प्रोटीन्स को कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस और रिसाइकिल होना पड़ता है क्योंकि वो टाइम के साथ साथ लेस एक्यूरेट हो जाती हैं और अपनी इफेक्टिवनेस लॉस कर देती हैं अगर ये प्रोटीन रिप्लेस नहीं होंगे तो ये सेल में एक्लोमेट होते रहेंगे और सेल के लिए एक टॉक्सिन बन जाएगी एग्जाम्पल अल्जिमा डिस इस डिसीज़ में बीटा एमलॉयड नाम की प्रोटीन ब्रेन सेल में एक्लोमेट होती रहती है जिस वजह से नर्व सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं कौन सी जीन सेल में एक्सप्रेस होगी यानी ऑफ और ऑन होगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपिजेनेटिक बट जैसे जैसे हम एजिड होते हैं प्रोटीन जो बाउंड होती है डीएनए से वो लेस एक्यूरेट होती है और अपना फंक्शन लॉस कर देती है टाइम के साथ जिस वजह से जिस जीन को एक्सप्रेस होना चाहिए वो होते नहीं है और जिस जीन को एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए वो एक्सप्रेस हो जाती है एग्जाम्पल सप्रेसर ट्यूमर जीन जो कैंसर को सप्रेस करती है अगर इन्हें प्रोटीन्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे जिस वजह से इस जीन का फंक्शन ऑफ हो जाएगा और कैंसर और तेजी से फॉर्म होगा फोर्थ रीज़न है माइक्रोकॉन्ट्रिया जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है असल में माइट्रोकॉन्टियर के पास अपना खुद का डीएनए होता है एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज़ अब ये ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज माइट्रोकॉन्टियर के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है जिस वजह से सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता और एवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो जाता है फिफ्थ रीजन है टिश्यू अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाता हार्ट टिश्यू के पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीम सेल होते हैं ये स्टेम सेल हालाँकि डिफरेंट होते हैं जो जैगौट में और अर्ली स्टेज ऑफ इमरों में पाए जाते हैं पर ये टिश्यू के सेल को प्रोड्यूस करते हैं पर टाइम के साथ साथ ये स्टीम सेल एग्जॉस्ट हो जाते हैं और लेस एक्टिव हो जाते हैं असल में इन स्टीम सेल के डीएनए में भी एरर आ जाता है ड्यू टू तो डिफरेंट रीज़न जैसे कि इन्वा फैक्टर और जब स्टीम सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लेस एक्टिव हो जाते हैं वो टिशू ना ही रिपेयर कर पाता है ना ही न्यू सेल फॉर्म कर पाता है तो ये कुछ इंटरनल रीजन है जिस वजह से एजनिंग होती है पर इन्वायरमेंट और हमारे लाइफस्टाइल भी एजनिंग को काफ़ी इफेक्ट करती है अगर हम जैसे क्लीन और लेस पॉल्यूशन में रहेंगे और हम रेगुलर एक्सरसाइज अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे और हेल्थी फूड खाएंगे तो लाइफ स्पैन इनक्रीज़ होने के चांसेस मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ जाते हैं जो लोग डेवलप कंट्रीज में रहते हैं जैसे कि यू नॉर्वे जापान इंग्लैंड इनकी लाइफ स्पैन होती है एवरेज लाइफ स्पैन एट्टी टू एटी फाइव पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ की एवरेज लाइफ स्पैन है सिक्सटी नाइन ईयर्स आज से सौ साल पहले एवरेज लाइफ स्पैन ह्यूमन की थी सिर्फ फोर्टी टू फोर्टी फाइव ईयर्स जितना हम मेडिसिन और जेनेटिक्स के बारे में समझेंगे और जितना हम हेल्थी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे उतना ही हम ज़्यादा जी पाएंगे तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में